कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और बेहतर इलाज करने के लिए जहां सरकार अथक प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर गुमला के डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 डॉक्टर होने के बावजूद भी एकमात्र आयुष चिकित्सक के भरोसे संचालित हो रहा है, जबकि सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी डॉक्टरों को इस कोरोना काल में अपनी सेवा देनी है। इसके बावजूद भी यहाँ 5 में से सिर्फ 2 ही डॉक्टर नजर आते हैं। कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, हमारे यहाँ प्रतिदिन 50 से 60 टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें 10 से 15 लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। और चूंकि हम लोगों को डुमरी और जारी दोनों प्रखंड को देखना होता है, तो इसलिए काफ़ी सारा वर्कलोड है। और इस समय हमारे प्रभारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में हैं। बाकी डॉक्टर्स की भी यहाँ पोस्टिंग है जो नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और चूंकि मैं आयुष चिकित्सक हूँ और हम लोगों को अभियान निदेशक से यह आदेश है कि हमको हॉस्पिटल में कार्य नहीं करना, हमारा अपना कार्य करना है, लेकिन फिर भी मैं सारे कार्य देख रहा हूँ। और सभी डॉक्टर अगर रह करके कार्य करें तो सभी मरीजों के लिए सुविधा होगी। पूरी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 ही डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर रोशन खलखो पॉजिटिव हो गए हैं। हमारे डॉक्टर राजेश शर्मा ही अभी ड्यूटी पर हैं। हमारे यहाँ 5 डॉक्टर हैं, लेकिन अब 3 डॉक्टर कहाँ हैं हम लोग को पता नहीं। अगर वो आते तो इस कोरोना काल में हमारे डुमरी प्रखंड के आम जनताओं को सुविधा होती और कोरोना जाँच में विलम्ब। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म हो या हत्या, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पुलिस भी इन अपराधों को रोकने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। ताजा मामला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र से आया है, जब वहां पे बेखौफ अपराधियों ने 22 वर्षीय युवती की गला काट निर्मम हत्या कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, जिसे इलाके के लोग खौफजदा हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। इधर ग्रामीणों ने दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका जताई है। कौन पुकार दिया उसका हमको मालूम नहीं है, उसको भी पता नहीं है, लेकिन उसका हाथ में तो कुदाली था, तो कुदाली भी नहीं है, हाथ में घेचा काटा हुआ है और तो उसका मोबाइल था, नदी से पाखी फेंका था झाड़े में।